को ओम नमो भगवते रुद्राय। नवरात्रि विसर्जन की विधि क्या रहनी चाहिए वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहता हूँ, क्योंकि भक्त बड़े निष्ठा से नव दिवसीय नवरात्रि व्रत को करते हैं। कई भक्त अष्टमी में पारण करते हैं, कई भक्त नवमी में पारण करते हैं, किंतु सही तरीका क्या है? कई लोग दसवीं तक व्रत करते हैं, क्या वो उचित है? शास्त्र का विधान क्या कहता है? आपने घर में जो कलश रखा है उसे कब हटाएं? माता रानी की चौकी है उससे कब हटाएं? आपके पास सुपारी है, सिक्का है, द्रव्य है, चावल है, उनका क्या करना चाहिए? बहुत सारी भूमिकाएं ऐसी आ जाती है जिनका हमको ज्ञान नहीं होता। जो भक्त तो पीछे से करते हुए व्रत आ रहे हैं उनको तो जानकारी हो जाती है, लेकिन जो भक्त नई नई बार पहली पहली बार यदि नवरात्रि व्रत करते हैं तो पारण की बड़ी समस्या आती है, हमें पारण कब करना चाहिए? क्योंकि आजकल ना नवरात्रि भी देखा देखी में होने लग गई है। जिसने अष्टमी करी, अष्टमी में कन्या पूजन किया, तो हमें भी लगता है कि हमको भी अष्टमी में कन्या पूजन करना चाहिए। किन्होंने नवमी में किया तो हमको लगता है कि नवमी में हमको भी करना चाहिए, लेकिन नहीं। आपने यदि पहले से ही अष्टमी बना कर रखी है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, यदि आपने पहले से ही कन्या पूजन अष्टमी में ही किया है तो आप कन्या पूजन सदैव अष्टमी में ही करेंगे, अब आप तिथि बदलिएगा नहीं। दूसरी बात, यदि आपने नवमी में कन्या पूजन कर लिया है तो फिर आप तिथि को बदलिएगा नहीं कि मैं अष्टमी में कर लूंगी, किसी के देखा देखी में नहीं। यदि आपने अष्टमी में पहले से उठा लिया है कन्या पूजन तो आप अष्टमी में ही कन्या पूजन करेंगे, यदि आपने पहले से ही नवमी में कन्या पूजन लिया है तो आपको नवमी में ही कन्या पूजन करना चाहिए। और मन में ये शंका रहती है कि अष्टमी ठीक रहेगी कन्या पूजन के लिए, नवमी अष्टमी भी बहुत उत्तम है और नवमी भी बहुत उत्तम है, क्योंकि ये महाअष्टमी है और महानवमी है, तो इन दोनों में से आप किसी भी एक दिन को चुन लीजिए और फिर प्रत्येक वर्ष आपने उसी तिथि में अष्टमी में किया है तो अष्टमी में करेंगे, नवमी में किया तो नवमी में ही कन्या पूजन आपको करना चाहिए। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। अब बात रही कि नवरात्रि पारण, हमको व्रत का जो उत्सर्जन है हमें व्रत कब पूरा करना चाहिए, तो कई लोग क्या होते हैं अष्टमी में ही कन्या पूजन करके अष्टमी में ही अपने नवरात्रि निपटा देते हैं, लेकिन नहीं, शास्त्र कहता है रुकिए, आपको क्या कहते हैं, सर्वेषां उपवासानां प्रातरेव ही पारणम। जो पारण का समय होता है वो तो प्रातः काल के समय होता है, लेकिन नवमी के दिन ही पारण करना चाहिए। मतलब आप जब तक पूरे नौ नवरात्रि ना कर लें तब तक आप नवरात्रि का पारण ना करें, इसलिए अष्टमी के दिन यदि आपने कन्या पूजन कर भी लिया है तो आप नवमी के दिन भी व्रत जरूर लीजिए। कई लोग नवमी अष्टमी कराकर नवमी के दिन फिर व्रत नहीं लेते, वो नवमी छोड़ देते हैं, लेकिन आपको यही तो गलतफहमी हो गई कि असली जो प्रभाव है व्रत का वो नवमी के दिन ही है, क्योंकि सिद्धिदात्री च, जो नवमी नवरात्र है माता सिद्धदात्री का होता है, इसलिए सिद्धदात्री की कृपा से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, और हम लोग अष्टमी करके छोड़ देते हैं, दीपक को बुझने छोड़ देते हैं, कलश को उठा लेते हैं, नहीं, आपका दिया शांत होना चाहिए दशमी के दिन, आपकी जो नवरात्रि होनी चाहिए वो पूर्ण होनी चाहिए नवमी के दिन तक, अर्थात कि यदि आपने अष्टमी में कन्या पूजन कर भी लिया है तो आप नवमी का व्रत जरूर कर लीजिए। नवमी का व्रत छोड़ना नहीं है, भले ही आपने अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर लिया हो, कलश आपने अष्टमी के दिन नहीं, कलश आपने नवमी के दिन ही उठाना चाहिए। कलश और अथवा आपका दीपक यदि शांत हो तो नवमी की रात्रि को शांत हो, ऐसा नहीं है कि अष्टमी का व्रत कर लिया तो अब आपने उसमें दीपक में आपने घी अथवा तेल डालना बंद कर दिया अपने आप धीरे धीरे शांत होगा, नहीं, नवमी के दिन तक आपका दीप जलता रहना चाहिए। हाँ, यदि आप अष्टमी में ही व्रत का पारण कर चुके हैं तब बोले नवमी के दिन आपने फिर भी कलश और दीपक को रहने देना है, वो विसर्जन नहीं करना, क्योंकि शास्त्र कहता है कि विसर्जन के लिए उत्तम, जो पारण के लिए जो उत्तम दिन माना जाता है वह नवमी को ही माना जाता है, इसलिए नवमी में आपने विशेष इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब हम ये भी जान लेते हैं कि हमारा दीपक कब तक जलते रहना चाहिए, दीपक आपका नवमी तक पूरा जलते रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए, दशमी के दिन अपने आप शांत हो जाए, अच्छी बात है। यदि आपने अपने घर में माटी की कोई देवी रखी है तो देवी का विसर्जन नवमी के दिन नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ना रात के समय विसर्जन होता, देवी की प्रतिमा का विसर्जन सदैव दशमी के दिन होता है, और यहाँ पर शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूँ कि दशम्याम देवीम विसर्जयेत ततः प्रातः पूजयित्वा दशम्याम विधि पूर्वकम। शास्त्र कहता है कि दशमी का व्रत नहीं लेना चाहिए, नवरात्रि में दशमी के व्रत का कोई विधान नहीं है, कई लोग दशमी का भी व्रत करते हैं, नहीं, दशमी के नवरात्रि को दशमी के व्रत के साथ विधान में नहीं जोड़ना चाहिए, इसलिए व्रत का पारण तो नवमी के दिन ही कीजिए, लेकिन जो वस्तुओं का विसर्जन है जैसे कलश का विसर्जन है अथवा आपके पास कोई अन्यत्र निर्माल्य सामग्री है अथवा माता देवी की प्रतिमा, उसको दशमी के दिन विसर्जन करना, नवमी को अपने पूरे नवरात्र व्रत कर लीजिए, उसके बाद दशमी के दिन आप सुबह उठिए, नहाना धोना, जिस प्रकार से डेली आप नवमी नवरात्रि में माता जगदम्बा का पूजन करते हुए आ रहे थे उसी प्रकार से आपने पूजन करते रहना है,
दशमी के दिन भी। उस दिन आपने व्रत नहीं लेना, माता रानी को भोग लगाना है। यदि आपने मिट्टी की प्रतिमा विसर्जन करनी है तो दशमी की सुबह ही आपको माटी का जो मिट्टी की जो प्रतिमा है दुर्गा देवी की, उनका विसर्जन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये मुख्य बात है जो आपने ध्यान में रखनी है। देवी का संपूर्ण पूजन करने के बाद ही फिर देवी की माटी की अगर मिट्टी की प्रतिमा विसर्जन करना चाह रहे हो तो फिर आपने प्रातःकाल दशमी की तिथि में करनी चाहिए। यदि आपके पास आपके घर में सोने की, चांदी की अथवा कोई पीतल की अथवा अन्य धातु की प्रतिमाएं, उनका आपने पूजन दशमी के दिन भी करके फिर अपने मंदिर में स्थापित कर देना चाहिए। तो ये कुछ विशेष बात है जो आपने यहाँ पर समझनी है। और हाँ, इतना ही नहीं, दशमी के दिन आपने क्या करना है, संपूर्ण सामग्री को एकत्रित कर लेना, कलश हो अथवा कलश का जल हो उसका भी आपने क्या करना, यहाँ पर ये भी थोड़ा समझा देता हूँ। पहले ये समझ लीजिए कि आपने जो आज तक दसवें दिन तक नवरात्रि के 10 दिन पूरे हो गए, उसमें आपके पास जो फूल पत्तियाँ इत्यादि हैं उन सबको एक पात्र में रखें, या तो बहते हुए जल में हो, नहीं तो बहता हुआ जल ना कर सकें तो एक खड्डा खोदिए, वहाँ पर विसर्जन कर दीजिए। मतलब इधर उधर आपने कोई भी पूजा पाठ की सामग्री नहीं डालनी चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना। मेरा कहने का अर्थ यह कि दशमी के दिन ही आपका सारा पूजन कार्य हटेगा। आप नवमी के दिन कलश को उठा सकते हो, मतलब नवमी का आपने पूजन कर लिया, संध्या काल के समय आपने देवी पूजन कर लिया, देवी पूजन करने के बाद आप चाहे तो अपना कलश उठा सकते हो दिन के समय भी। यदि आप चाहते हो कि हमारा जो कलश है पूजन करने के बाद उतर जाए, तो आप दिन के 2-3 बजे के बाद भी अपना कलश उतार सकते हो, कोई डाउट नहीं है। अथवा आप कलश का पूजन करके, संपूर्ण पूजन करके अपना नवमी के दिन भी कलश को सुबह उठा सकते हो, लेकिन व्रत आपने पूरी शाम भर तक करना है, इस बात का ध्यान, ये बात को आपने ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सामग्री के विसर्जन आपने दशमी के दिन करना, ये है वारण और विसर्जन में थोड़ा सा भेद। अब यहाँ पर और क्या क्या करना है, जो कलश का नारियल होगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि श्रीम, जो श्रीम अर्थात की लक्ष्मी, श्रीम स्वरूपेण नारिकेल, शास्त्र कहता है जो श्री के रूप में नारियल होता है, जो नारियल आप स्थापित करते हो ना, वो माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है कलश के पर। इसलिए कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है कि नवमी के दिन अथवा अष्टमी के दिन जैसे भी आप करो, जो कलश के ऊपर आप लोगों ने नारियल रखा होता है उसको आपने कभी फोड़ना नहीं चाहिए। ये थोड़े से कुपरंपरा चल चुकी थी बीच में, कलश का नारियल जो ऊपर रखा था उसको फोड़ के प्रसाद के रूप में दे देते हैं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत आवाज उठाई है मैंने, और आप भी इसमें सार्थक बनिए, सबको बताइएगा कि कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल ये लक्ष्मी के स्वरूप में होता है, इसको फोड़ा नहीं जाता, बलि देने के लिए, प्रसाद देने के लिए जो नारियल होता है ना वो अलग से रखा जाता है। कृपया ये मेरी बात सबको पहुंचा दीजिएगा, नारियल फोड़ने के लिए अलग से नारियल तोड़ना चाहिए, कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल नहीं आपने तोड़ना चाहिए, ना ही प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उसको लाल कपड़े में लपेटियो, या तो अपने घर के छत में बांधो, या अपने घर के चौखट के ऊपर लगा दीजिए, या अपनी तिजोरी में रख दीजिए, अथवा उसको लाल वस्त्र से लपेट कर एक कलश के ऊपर रखकर अपने रसोई घर में रख दीजिए, अथवा किसी शुद्ध स्थान पर रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन कृपया कलश के नारियल को जो आपने रखा हुआ है उसको मत तोड़ेगा, क्योंकि इसमें देवों का वास होता है, चाहे आप उसको अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। अब आप कहेंगे मंदिर में पहले से रखा हुआ तो आप कोई बात नहीं, आप उसको जो पुराना वाला नारियल आपने पिछले नवरात्रि में बांधा था उसका विसर्जन करके नए नारियल को आप बांध दीजिएगा, किंतु नारियल नहीं तोड़ना है कलश का, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना कि नवम्याम जो कहते हैं अष्टम्याम बलिदानिन पुत्र नाशो भविद्रुम, नारियल की बलि कभी भी अष्टमी के दिन नहीं देनी चाहिए। नारियल की बलि नवम्याम बलिदानं तो कर्तव्यम तो यथाविधि जप होमम च विधिवत कुर्यात यत्र विभूतये, शास्त्र कहता अष्टमी के दिन नारियल की बलि देने से पुत्र नाश होता है, इसलिए नारियल की बलि नवमी के दिन ही देनी चाहिए। इसलिए यदि नारियल तोड़ना चाहते हो आपने अलग से प्रसाद के निमित्त रूप में, बलिदान के रूप में, तो वो नवमी के दिन ही आपने बलिदान नारियल का करना चाहिए, ठीक है। और आपके पास जो सामग्रियां बनती हैं, जो आपने 10 दिन तक की दक्षिणा चढ़ाई थी, आप उसको पंडित जी को जाकर दे सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि का फल तभी मिलता है जब ब्राह्मण के हस्त में आप दक्षिणा दान करते हैं। आपने घर में पंडित जी नहीं बुलाए कोई बात नहीं, मंदिर में जाइए, अथवा आपके कोई भी पुरोहित देवता हों, ब्राह्मण देवता, उनको आप दक्षिणा दान इत्यादि कर सकते हैं। नहीं तो मंदिर में जाइए, पंडित जी को जो भी आपने 10 दिन की नवरात्रि में दक्षिणा चढ़ाई थी वो पंडित जी को देकर आ जाइए, और सुपारी इत्यादि होती हैं आप उसको रख दीजिए, वो पुनः से भी सुपारियाँ जो होती है पोंगी फल वो काम में आ जाते हैं। बाकी लौंग इलायची जो होती हैं आप उसको अपने निजी प्रयोग में भी ला सकते हैं। बाकी जो चावल के दाने होते हैं आप उनको चींटियों को, चिड़ियाओं को दे सकते हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े से चावल आप अपने जो अन्य क्षेत्र होता है जहाँ पर आपने भंडार रखा होता है चावल इत्यादि, वहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर सकते हो। बाकी जो चावल इत्यादि चढ़े होते हैं
आप उनको चींटियों को, चिड़ियाओं को, इत्यादियों को दे सकते हो। लाल वस्त्र इत्यादि जो होता है उस लाल वस्त्र को आप मंदिर में पंडित जी को भी दे सकते हो, काम का है तो अपने पास रख सकते हो, आगे भी वो यूजेबल हो जाता है। ठीक है, अपने हाथ में नवमी के दिन रक्षा सूत्र का धागा जरूर बांधना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण नवरात्रि का फल है रक्षा सूत्र। तो नवमी के दिन अपने हाथ में रक्षा सूत्र का धागा बांधवाना चाहिए। अब यहाँ पर बात रही कि हमको हवन कब करना चाहिए। देखिए, जो हवन की श्रेष्ठता है, शास्त्र ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आश्विनी शुक्ल पक्षेतु दशमी, आश्विनी शुक्ल पक्षेतु नवरात्र पोषितः नवम्यां पारणम कर दशमी मिश्रता नचित। यहाँ पर नवमी के दिन पारण बताया गया, लेकिन अपनी कुल परंपरा के अनुसार आप चाहे अष्टमी के दिन अथवा चाहे नवमी के दिन आप यदि हवन करना चाहते हो तो अष्टमी में भी बहुत उत्तम है, नवमी के दिन भी बहुत उत्तम रहता है। तो यह है संपूर्ण, और जो कलश का जल रहता है अंतिम, जो विशेषम कलश का जल क्या करना चाहिए, विशेष जो जल है सबसे पहले तो ग्रहणम सूंघना चाहिए, उसके बाद घर में जल का छींटा लगाना चाहिए, पारिवारिक जनों के पर जल का छींटा लगाना चाहिए, उसके बाद उस जल को क्या करना चाहिए, किसी भी पवित्र स्थान पर जाकर कोई आपके पास पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ में वो जल अर्पण कर देना चाहिए। हमने सुना कि वह जल सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, सूर्य भगवान को इस प्रकार का जल अर्घ्य के रूप में नहीं दिया जाता, क्योंकि वो अन्य देवी देवता के वास का स्वरूप जल है, इसलिए आप उसको सूर्य भगवान को अर्घ्य के रूप में जल नहीं देंगे, आपने किसी पीपल के वृक्ष में उस जल को अर्पण करना चाहिए। अभी अभी ये बात हमारे मन में आई, किसी ने कहा पंडित जी सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, हमने यूट्यूब में सुना, नहीं ये यूट्यूब में जो बताया वो उचित नहीं है, क्योंकि सूर्य भगवान को अर्घ्य शुद्ध जल का दिया जाता है, और वो जल जो था वो कलश रूपी जल नव दिन तक अन्य देवी देवताओं के निमित्त रहता है, इसलिए उस जल में किसी अन्यत्र का अधिकार भी रहता है, ये हमारी अपनी दृष्टि है, ये बाकी आपका अपना सोचना रहना चाहिए। इसलिए नवमी में जब आप कलश का विसर्जन करते हैं तो वो जो जल है ना कलश का, लोटे का जल, आपने उसको सूर्य को अर्घ्य नहीं देना, अपने तो पीपल के पेड़ में अर्पण करके आना चाहिए, सबसे अच्छी बात है। कलश के अंदर जो आपने सिक्का इत्यादि डाला होगा वो अपनी तिजोरी इत्यादि में रख सकते हो। तो यह है संपूर्ण प्रक्रिया नवरात्रि विसर्जन की, और मैं आशा करता हूं कि जो जानकारियां मैंने आपको दी आपको कोई भी अब मन में डाउट नहीं रहा होगा। यदि कोई भी शंका होगी तो कृपया आप कमेंट के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब तक आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय।